बिलासपुर जिला कांग्रेस के नवनियुक्त कप्तान बंबर ठाकुर ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर इंदिरा भवन पहुंचने पर सैकड़ों लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य अभिनंदन किया और फूल मालाओं से लाद दिया। इंदिरा भवन में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बंबर ठाकुर ने हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर को आड़े हाथ लिया और अनुराग हटाओ, मोदी भगाओ, राहुल गांधी लाओ और देश बचाओ का नारा देते हुए जिला के सभी 400 बूथों पर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अवगत करवाने के अलावा एम्स, फोरलेन सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर भाजपा की केंद्र व राज्य सरकारों के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का ऐलान भी किया। बंबर ठाकुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पर एम्स के नाम पर जनता को गुमराह करने के आरोप भी लगाए और कहा कि नड्डा को जनता से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री से एम्स का शिलान्यास करवाया गया और सीएम के नाम पर वोट मांगकर जिले की सीटों को प्रभावित किया गया, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव के वक्त भूमि पूजन का ड्रामा करके एक बार फिर से जनता को छला जा रहा है जिसे कदापि सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेत व बजरी का पूजन बंद हो और सही मायने में कार्य शुरू हो। एम्स का कार्य शुरू करने को लेकर 14 फरवरी को जिला कांग्रेस कॉलेज चौक से लेकर उपायुक्त कार्यालय परिसर तक पैदल मार्च करेगी। इसमें केंद्र स्तर के नेताओं के अलावा जिला व प्रदेश स्तरीय नेता शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा जाएगा। कांग्रेस हाईकमान ने मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उसको सभी बिलासपुर के वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं को साथ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करूँगा और इस लोकसभा चुनावों के अंदर चारों हमारी जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ से कांग्रेस पार्टी को बढ़ दिलाएंगे। जो भी हाईकमांड का कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से आएगा उसको बढ़ दिलाई जाएगी। 400 बूथों पे जाकर के मीटिंग करना मेरा लक्ष्य है और हर बूथ पे जाकर के चार चुनाव क्षेत्रों के अंदर 400 बूथ हैं, हर बूथ पे जाकर के कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में समझाना और भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले हैं, जो मोदी ने और शाह ने जो जनता को ठगा है उसके बारे में जनता को जागरूक करना, ये मेरा लक्ष्य है। और राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे और अनुराग ठाकुर जिसने लोकसभा के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियाँ की हैं उसका जगह जगह जाकर के विरोध किया जाएगा। आज भी इस कार्यक्रम के बाद हम राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ से रैली निकाल गए, राहुल गांधी जी के पक्ष में। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो अनुराग ठाकुर ने जो भाषण किए हैं, अनुराग का पुतला जलाएंगे हम यहाँ जाकर के अभी कॉलेज चौक पे, और ये पूरे हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र के अंदर बताएंगे कि जो एक ईमानदार परिवार जिनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ अनुराग ठाकुर ने करी हैं उसको कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में लेकर के जाएंगे। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता 20-20, 30-30 वोटर के बीच में जाकर के इस बात को बताएगा कि चोर मचाए शोर, जो राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जिन्होंने जो है प्रधानमंत्री तक का पद त्याग दिया सोनिया गांधी जी ने, और इंदिरा गांधी की जो कुर्बानी इस देश के लिए रही है, राजीव गांधी जी की जो कुर्बानी इस देश के लिए रही है, उस परिवार के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एच टुडे के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट।